दगड़ियों, जुनियाली उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में मोटर पुल और पुलिया ग्रामीण जनजीवन की जीवन रेखा हैं। पुलियों में छोटे पैदल पुल और झूला पुल भी शामिल हैं। लेकिन प्रदेश के हर जिले में बड़ी संख्या में ऐसे पुल और पुलियां हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। राज्य के हजारों लोग रोजमर्रा के कामों के लिए इन्हीं पुलों से रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर गुजरते हैं। इन पुलों में से तो कई पुल ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में स्थानीय यातायात और जन सुविधाओं के लिए बनाया गया था। हालांकि इन जर्जर पुलों में से कई पर काम हो भी रहा है, लेकिन कछुए की गति से, जबकि सरकार को इन पर तेजी से काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं किया गया तो उत्तराखंड को हादसों के प्रदेश का तमगा गाहे बगाहे मिलता ही रहेगा। आज देखिए जुनियाले उत्तराखंड की खास रिपोर्ट, हादसों को न्योता देते पुल। दगड़ियों, गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने पुलों का ताजा ऑडिट करने का फैसला लिया था। अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के 5 क्षेत्रों में किए गए सुरक्षा ऑडिट में उत्तराखंड में 36 पुल यातायात के लिए अनुपयुक्त पाए गए हैं। जांच टीम ने राज्य के 3,262 में से 2,618 पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिनकी देखरेख का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास है। इन 2,618 पुलों में से 36 पुलों को स्वयं पीडब्ल्यूडी ने आवागमन के लिए असुरक्षित पाया है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इन 36 में से सर्वाधिक 16 खतरनाक पुल पौड़ी जिले में हैं। टिहरी जिले में 8 पुल आवाजाही के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। उधम सिंह नगर जिले में 5 पुल इसी खतरनाक श्रेणी में रखे गए हैं। घनी आबादी वाले हरिद्वार जिले में 3 पुल जर्जर हालत में मिले। देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग, इन 4 जिलों में एक एक पुल खतरनाक घोषित किए गए हैं। अगर हम पौड़ी जिले की बात करें जिसमें सर्वाधिक 16 पुल जर्जर और खतरनाक पाए गए हैं, तो सतपुली के पास बांघाट के पुल का जिक्र जरूर कर लेते हैं। पिछले दिनों यह पुल खूब चर्चा में रहा था। इस पुल के एक हिस्से में बड़ा गड्ढा हो गया था। तब जुनियाली उत्तराखंड ने एक विस्तृत स्टोरी की थी, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। साथियों, आज मैं हूं बांघाट। बांघाट में नया नदी के ऊपर बना ये 1969 का 79 का बना हुआ 42 वर्ष पुराना है पुल, जो एक पखवाड़े पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद यहाँ पर जब पीडब्ल्यूडी की टीम आई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नेतृत्व में, तो उनके द्वारा यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया। लेकिन बड़े वाहनों को इस पर रोकने के लिए, भारी वाहनों को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा इस पर एक बैरिकेड लगाया गया, सिक्योरिटी किया गया और इसके बाद तीसरी कर ली गई। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चुपचाप सो गए हैं, कहीं ये नहीं लगता है कि इसका प्रबंधन ट्रीटमेंट करने का कोई प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि शासन को प्रस्ताव जाएगा, अब कब जाएगा, क्या जाएगा, तो इससे बड़ी दिक्कतें इस पूरे क्षेत्र को आने वाली हैं, पूरे गंजीखाल और फोर्ट ब्लॉक को। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा और भी पहलू है कि इस क्षेत्र में 2 वेयर हाउस हैं पोस्ट कॉरपोरेशन के, एक अद्वानी और एक बांघाट में। वहाँ भी जो राशन जो जाता है वो इसी पुल से गुजर कर जाता है, तो इस तरह से यहाँ राशन की भी दिक्कतें आने वाले समय पर होने वाली हैं। इसलिए पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि वह युद्ध स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर इस
फूल का जो ट्रीटमेंट उसे करना है उसे पूरा करना है। लेकिन अब दूसरे पहलू पे हम बात करेंगे, वो पहलू ये है कि पीडब्ल्यूडी ने अपनी इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेड तो लगा दिया, लेकिन इस बैरिकेड का तोड़ भी यहाँ के कुछ जो एक डंपर होता है मीडियम वेट का, जिसको जिसकी कैपेसिटी 6 टन होती है यानी कि 60 क्विंटल, जो अमूमन यहाँ पर 100 क्विंटल से 20 क्विंटल यानी 10 से 12 टन यहाँ पर उपखनिज को खनन सामग्री को ढोते हैं, उन ट्रकों ने अपने जो कार्गो का उनका बॉडी था उसके ऊपरी हिस्से के जो जाला है जो एंगल्स है उनको तो रिमूव कर दिया, उनको हटा दिया और अब उनके ट्रक आराम से निकल रहे हैं। और तना करीब तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि रात के समय बड़ी संख्या में ऐसे डंपर इस पुल से गुजर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, तकनीकी अधिकारियों को यह सोचना चाहिए था कि पुल पर जो आवाजाही इन्होंने रोकी है इस बैरिकेड के आधार पर, तो सिर्फ वॉल्यूम बेस आपने रोका है कि बड़ा वॉल्यूम का जो कंटेनर है रुक जाएगा, लेकिन वेट जो मेन मसला है इसमें वेट, क्योंकि इस पुल पर वेट नहीं पड़ना चाहिए, वो वेट लगातार पड़ रहा है। अभी भी 10 से 12 से 15 टन तक सामग्री पुल से चोरी छुपे निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सीसीटीवी कैमराज लगाने चाहिए थे, या अन्यथा यदि यह संभव न था तो इसके लिए इन्हें यहाँ पर जिला प्रशासन को पुलिस की मदद से यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेबल्स तैनात रखने चाहिए थे, जिससे कि ऐसे चोरी छुपे निकलने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में हुए सस्पेंशन ब्रिज हादसे के ठीक 2 दिन बाद इसी बांगाट पुल के पास ही झूला पुल से गिरने से बड़खोलों के 62 वर्षीय सतीश दास की मौत हो गई। इस झूला पुल की बेहद खस्ता हालत आप देख सकते हैं। सतीश दास के बेटे धीरू बताते हैं कि उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, नहीं प्रशासन से कोई हमारी सुलह देने आया। इस झूला पुल की बेहद खस्ता हालत आप देख सकते हैं। हालांकि सतीश दास की मौत के बाद प्रशासन ने यह चेतावनी वाला बोर्ड जरूर लगा दिया है। हमारी इस रिपोर्ट को तैयार करते करते आखिर इन पुलों को स्थायी तौर पर बंद करने की खबर भी आ ही गई, मगर इन पुलों के स्थान पर नए पुल कब तक बन पाएंगे यह खबर कहीं नहीं है। उत्तराखंड की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुनियाली उत्तराखंड से जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जुनियाली उत्तराखंड सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। धन्यवाद।